सब्सक्राइब करें आदित्य मोटोराइड चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। भाई लोग कैसे हो? तो KTM ब्रांड ने लॉन्च कर दिया अपने KTM Duke 125 को इंडियन मार्केट में। तो इसके बारे में बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए बाइक से रिलेटेड और स्कूटी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए आप मैं नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करो जिससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो तो आप पहले देख पाएँ। लुक्स के बारे में बात किया जाए तो उसका जो लुक्स है वो काफ़ी हद तक KTM Duke 200 की तरह रखा गया है जो आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलती है। इसका लुक जो कि यूरोपियन कंट्री में KTM 125 चल रही है उसकी तरह नहीं रखा गया है, जो सेम 390 तरह दिखती है, क्योंकि अगर उसका लुक्स उसकी तरह रखा जाता है शायद प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ इसका जो लुक है वो KTM Duke 200 तरह रखा गया है जिससे प्राइस में बहुत सारे डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें चेंजेस क्या है। इसमें आपको टायर की विड्थ में चेंजेस को देखने को मिलेंगे, इसमें आपको इंजन कैपेसिटी कम मिलेगी, इसमें आपको 125cc का इंजन मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको वही सेम देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके इंजन टाइप के बारे में, तो इसमें आपको 124.7cc का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व्स लिक्विड कूल आपको इसमें इंजन मिलता है। तो दोस्तों ये बात बहुत अच्छी है, इसमें आपको लिक्विड कूल का ऑप्शन मिलता है। ये अभी इंडिया की सबसे पहली बाइक होगी जिसमें आपको लिक्विड कूल का ऑप्शन मिलता है, बाकी में आपको एयर कूल या ऑयल कूल का ऑप्शन मिलता है। तो ये बात अच्छी है, इसमें आपको लिक्विड कूल का ऑप्शन मिलता है। बात करते हैं इसके पावर और टॉर्क के बारे में, तो इसमें आपको 14 BHP एट 9250 RPM का इसमें आपको पावर मिलेगा और इसमें आपको 12 Nm एट 8000 RPM का इसमें आपको टॉर्क मिलेगा। दोस्तों ये बात तो पक्की है कि KTM 125 के आने से R15 और NS160 की सेलिंग बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि लोग अब इन दोनों बाइक्स को नहीं बाय करेंगे। लोग ये सोचेंगे कि भाई अब हम KTM 125 को लेंगे क्योंकि इसका जो लुक्स है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो लोग KTM 200 नहीं ले पा रहे थे वही उसी सेम लुक्स में जो लोग हैं अब वो KTM 125 को लेंगे। तो यहाँ आपको बहुत सारा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा इन तीनों बाइक्स में, लेकिन ये बात तो गारंटी भाई लोग आकर आपको पास अगर आप यहाँ इसका लुक देखेंगे तो ज़्यादा मस्कुलर लुक आपको KTM 125 को देखने को यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए हमारे वीडियो में इसके लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट्स हैं KTM 125 से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।